अगर आपको कौवे की हड्डी से वशीकरण करना है तो इसके द्वारा आप किसी भी महिला को, पुरुष को या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। हड्डी से करना चाहते हैं क्या आप अचूक वशीकरण, तो आज का हमारा वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अचूक वशीकरण जो कि काम करता है हड्डी से। जी हाँ, इसमें आपको चाहिए होगी कौवे की हड्डी। अगर आपको कौवे की हड्डी से वशीकरण करना है तो इसके द्वारा आप किसी भी महिला को, पुरुष को या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रचंड वशीकरण है जो कि तुरंत काम करता है और आपकी सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है हड्डी से वशीकरण, तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा अचूक वशीकरण जो कि बाबा जी ने स्पेशली हमारे जो YouTube के दर्शक हैं उनके लिए बनवाया है, तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में आपको मंत्र भी बताएंगे जिस मंत्र के द्वारा आप किसी पर भी इस वशीकरण को करके उसे ज़िंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना सकते हैं। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जैसा आप चाहेंगे वो आपके साथ वैसा ही करेगा। आप कहेंगे उठो तो वो उठेगा, आप कहेंगे बैठो तो वो बैठेगा। इतना बड़ा, इतना तेज, सम्मोहन वशीकरण का उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को, इस वजह से आप इस चैनल के साथ जुड़ भी गए हैं। बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप एक हड्डी से कर सकते हैं वशीकरण। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक कौवे की हड्डी। कौवे की हड्डी ले लीजिए और उसके बाद आपको और एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है काजल। जी हाँ दोस्तों, जो काला काजल होता है, आप चाहें तो उसे अपने घर में भी बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल शुद्ध काजल होता है, वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस काजल का इस्तेमाल करने से आप तुरंत देखेंगे कि आपका वशीकरण हो जाएगा। आप किसी को भी अगर अपने वश में करना चाहते हैं, वो तुरंत आपके वश में हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इसे करने का तरीका। आपको क्या करना है, आपको रात के समय एक छोटा दिया लेना है। दिए के अंदर आपको लंबी सी एक बत्ती डालनी है और उसके बाद उसमें घी डाल देना है। साथ ही साथ आप इसमें लौंग का एक टुकड़ा और इलायची कूट कर उसे डाल दीजिए। उसके बाद आपको दिए को जलने देना है। दिए के ऊपर आपको थाली को उल्टा करके रख देना है, एक ऐसी थाली जिसमें आपको इस तरह से रखना है कि दिए की जो लौ है, उसका जो कालिक होता है, उसमें से जो कालिक निकल रही होती है, वो सीधा थाली के ऊपर इकट्ठी होती जाए। जितनी देर दिया जलेगा उसे जलने दीजिए। आपको बस इस तरह से थाली को रखना है कि थाली पर कालिक इकट्ठी होती रहे। रात में जितनी देर दिया जला और उसके बाद जो कालिक इकट्ठी हुई, आप देखेंगे अगली सुबह आपको उसमें कालिक दिखाई देगी। आपको उसमें थोड़ा सा घी डालना है और उसके बाद उसे अपने हाथों से निकाल लेना है अच्छे से मिलाते हुए। ये काजल आपका शुद्ध काजल होगा जिसका इस्तेमाल हम इस वशीकरण में करने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेनी है कौवे की हड्डी जो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे भी कौवे की हड्डी ले सकते हैं। हमारे नंबर्स पर कॉल करके हमारे पास ऐसी एक सुविधा है जिससे कि हम आपको बता सकते हैं कि कहां पर आपको मिलेगी कौवे की हड्डी। अब आप कौवे की हड्डी लेने के बाद आपको क्या करना है कि काजल को जब आपने निकाल लिया, एक डिब्बी में रख लिया, तो उस काजल को आपको अपनी इस उंगली से, यानी कि जो कि आपकी, जिसमें आप अंगूठी पहनते हैं, अनामिका उंगली जो होती है,
आपको उस उंगली से काजल का इस्तेमाल करना है। काजल आपको लगाना है अपनी गर्दन पर। जी हाँ, अपनी गर्दन पर आपको काजल लगा लेना है और उसके बाद आपको कौवे की हड्डी को एक रुई का आपको कपड़े की तरह बना लेना है और उसमें उस कौवे की हड्डी को रखना है। लेकिन दोस्तों, ये सब करने से पहले आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र है अमुक जय जय सर्व व्यानम स्वाहा। इस मंत्र में अमुक की जगह पर आपको लिखना है उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, अमुक की जगह पर आपको बोलना होगा उस व्यक्ति का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। उसके आगे आपका है जय जय सर्व व्यानम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है पूरा 555 बार। जी हाँ, 555 बार जब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे, आपको हर बार फूकना है कौवे की हड्डी पर। और उसके बाद काजल का जो टीका है वो आपको लगाना है अपनी गर्दन पर। उसके बाद दोस्तों, काजल मैंने जैसा आपको बताया, आपको कौवे की हड्डी को एक कॉटन के कपड़े में लपेट कर अपनी जेब में रख लेना है। दोस्तों, कुछ ही मिनटों में जैसे ही आपका ये वशीकरण संपूर्ण होगा, संपन्न करते ही आपकी प्रेमिका आपके पास भागी भागी चली आएगी। जी हाँ, ये अचूक वशीकरण है जो कि तुरंत काम करता है, तो आप इसका उपाय कर सकते हैं।